मीडिया पर हर दिन कई वीडियोस वायरल होते हैं जिसमें लोग डांस, एक्टिंग या फिर अपना टैलेंट दिखाते हुए नजर आते हैं। मगर इस समय एक मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ चोरी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में नजर आता है कि एक शख्स चोरी करने के लिए मंदिर में घुसा, मगर वह पहले भगवान के सामने अपने हाथों को जोड़ता है। इसके बाद वह वहां रखी दान पेटी से पैसे निकालकर अपनी जेब में रख लेता है। इतना ही नहीं, पैसे की चोरी करने के बाद वह एक बार फिर से मंदिर में लगी घंटी को बजाता है और भगवान के आगे हाथ जोड़ता हुआ नजर आता है। सीसीटीवी फुटेज के इस वीडियो को माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म यानी एक्स पर शेयर किया गया है। इस वीडियो को शेयर करते हुए शख्स ने मामले से जुड़ी हुई जरूरी जानकारी भी दी है। अकाउंट यूजर ने कैप्शन में बताया कि राजस्थान के अलवर में एक व्यक्ति को पैसे और दूसरे महंगे सामान को मंदिर में घुसकर चुराने से पहले पूजा करते हुए सीसीटीवी में देखा गया। इस शख्स का नाम गोपेश शर्मा है और यह सिर्फ मंदिरों को अपना निशाना बनाता है। आगे जानकारी देते हुए बताया गया कि चोर का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने शख्स की पहचान करके उसे गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ में उसने कबूल किया कि उसने कई मंदिरों में इसी तरह चोरी की है। उसने यह भी बताया कि वह मंदिरों की तलाशी लेता था और पुजारी के रात में चले जाने के बाद वहां सेंध लगाकर कीमती सामान चुरा लेता था। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए किन्नी टाइम्स के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।